44% आबादी घट के पहुंची 28। तेजी से बदल रही डेमोग्राफी, शिवराज के दावे से मचा हड़कंप। झारखंड में लागू होगी एनआरसी। अगले साल जनवरी में झारखंड विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और कुछ ही समय में चुनाव आयोग चुनावी तारीखों की रूपरेखा तय कर सकता है। भले ही अभी चुनाव को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। झारखंड चुनाव की कमान इस समय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। वे लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और हेमंत सरकार पर जमकर हमलावर भी हैं। इसी कड़ी में शिवराज सिंह ने झारखंड की धरती से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवराज ने कहा है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य में एनआरसी लागू की जाएगी। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करें और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और यह खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए हैं। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई है। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पर संपत्ति खरीद रहे और यह संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं बेटियों से शादी के, चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, यह हमारा संकल्प है। नहीं, ये तो पॉइंट्स है ही, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट्स तो है ही। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो झारखंड को बचाने की लड़ाई है, तो हमारा प्रमुख मुद्दा है यही।